जो SIT गठित की है, मैंने इसको कहा है कि ये 2018 में जब इस परिवार ने अपहरण की FIR दर्ज करवाई थी तब से जांच करे और उन तथ्यों की भी जांच करे जिसकी वजह से परिवार ने वो एफिडेविट देकर कार्रवाई करवाने से इनकार कर दिया था। मुझको लगता है कि परिवार पर, क्योंकि ये जो आरोपी है ये हरियाणा के एक कांग्रेसी परिवार से संबंधित है, जिस परिवार में MLA हैं, MLA रहे हैं, मंत्री रहे हैं, हो सकता है, इस बात की बहुत संभावना है कि उस परिवार ने इन पर दबाव बनाया हो। तो उन तथ्यों की भी जानकारी हासिल की जाए कि क्या इसके ऊपर किसी ने दबाव बनाया था जिस कारण से उन्होंने FIR को आगे ना बढ़ाने के लिए एफिडेविट दाखिल किया। और इसके साथ साथ लव जिहाद के एंगल की भी गहनता से जांच की जाए कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड संगठन या इसके पीछे कुछ ताकतें इस प्रकार का अभियान तो नहीं चला रही हैं, इस बात की भी जांच की जाए। मुझे तो कांग्रेस की पार्टी पर हैरानगी आती है कि एक तरफ कांग्रेस का परिवार ही इस हत्याकांड में शामिल है और दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार के ऊपर प्रश्न उठाती है। दो रंगी है ये कांग्रेस पार्टी। हाँ, तुम गोलियां चलाकर बच्चियों को मरवा दो और सरकार से त्याग पत्र मांगो, वाहरी कांग्रेस, गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदल सकती जितनी जल्दी कांग्रेस पार्टी बदलती है। नहीं, मैंने SP से भी बात की है और मैंने DGP को भी कहा है कि सारी ताकत लगा के उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए। देखिए, जो आरोपी थे वो गिरफ्तार हो गए और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की दबंगई चलने नहीं दूंगा, किसी भी प्रकार की दादागिरी या गुंडागिरी गर्दी को मैं चलने नहीं दूंगा। परिवार के पूरी तरह से हम साथ हैं, सरकार साथ है, जैसी सुरक्षा उनको चाहिए होगी, जो सुरक्षा की जरूरत होगी हम उनको मुहैया कराएंगे और पूरी तरह से डट के हम परिवार के साथ खड़े हैं। SIT को मैंने ये भी हिदायत दी है कि वो हर वो प्रयास करे जिससे कि इसमें त्वरित कार्रवाई हो सके और दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जा सके। देखिए, हमने तुरंत घटना करने वालों को गिरफ्तार किया है। ऐसा तभी हो सकता है जब कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हो। प्रदेश में हम पूरी तरह से निगाह रखे रहते हैं, हर मामले पर नजर रखते हैं और यही कारण है कि इतनी जल्दी अपराधी गिरफ्तार हो सके। नहीं, सारे तथ्यों को एकत्रित किया जा रहा है और आज भी SIT ने परिवार से बातचीत की है और सारे तथ्यों को इकट्ठा करके जल्दी से जल्दी इसमें सजा दिलाई जाएगी। कोई बात रह गई थी?